मोगवानशान को भूख लगी थी और वो अपने साथ पैसे नहीं लाया था, तो फिर हितिया ने अपनी प्लेट उसे दे दी कि लो खाओ इसे। मो कहता है कि क्या तुम मुझे दूसरी नहीं लेके दे सकते। हितिया कहता है तुम्हें तो मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए, लेकिन तुम एक और रिक्वेस्ट कर रहे हो। ये तो थोड़ा रूड नहीं हो गया? जो फॉग उसने अपने मुँह में डाला हुआ था वही वो मोगवानशान को देता है कि लो इसे खाओ। मो देखता है कि इसमें तो उसकी सलाइवा लगी हुई है, तो फिर मो काफी देर तक फॉग को ऐसे ही देखता रहा। 3 मिनट के बाद हितिया कहता है कि अगर तुम खाने नहीं वाले तो फिर मुझे वापस दे दो। तभी मो के पेट से गुड़गुड़ की आवाज आने लगी। हितिया स्माइल करता है, मतलब कि मो को अब उस चम्मच से खाना ही पड़ेगा, लेकिन उस पे हितिया की सलाइवा है ये जान के मो उसे अपने मुँह में डाल ही नहीं पा रहा था, यहाँ तक कि उसका पूरा हाथ कांपने लगा था। आखिर में उसने नहीं खाया और वो जाने लगा कि मैं घर जाना चाहता हूँ। हितिया उसे रोकता है कि अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक नई वाली खरीद के देता हूँ, ठीक है। फिर अगला सीन आता है, सुबह जानी की नींद खुली, वो पहले होश में आता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ पे हूँ। उसने देखा कि जैंगशी भी उसके पास ही सो रहा है, तो फिर वो साइलेंटली चिल्लाता है कि ओ माय गॉड। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था और वो याद कर रहा था कि कल रात क्या हुआ था। उसने ब्लैंकेट हटा के देखा कि एक्चुअली कुछ भी नहीं हुआ था, जैंगशी दूसरी ओर करवट लेके सो रहा था। तो फिर जानी उसका फेस बहुत ही करीब से देखता है और उसने देखा कि ये लड़का नींद में अपना अंगूठा चूसता है। वो अभी सो रहा है तो जल्दी से मैं उसकी फोटो खींच लेता हूँ। वो जल्दी से अपना मोबाइल लेके बहुत ही केयरफुली जैंगशी के ऊपर आ गया और सोच रहा था कि ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन जैसे उसने फोटो क्लिक की जैंगशी की नींद खुली। उसके फेस के आगे कुछ है ये जान के जैंगशी तुरंत ही उठा और उसका फेस सीधा जानी के मेन पार्ट पर ही लगा। महा ऑकवर्ड पोजीशन हो गई। जानी कहता है कि क्या इत्तेफाक है, गुड मॉर्निंग। फिर वो दोनों काफी देर तक ऐसे ही बैठे रहे और जैंगशी तो अपना सर पकड़ के बैठा था। फिर जैंगशी कहता है कि हे जाग गए हो तो फिर अपना मुंह धोने जाओ, ब्रश करने जाओ। जियानी कहता है मैं जल्दी में नहीं हूँ, तुम पहले जाओ। जैंगशी कहता है नहीं, तुम पहले जाओ। जियानी कहता है मुझे तो देर तक सोने की आदत है, तुम पहले जाओ। जैंगशी कहता है मैंने कहा ना कि तुम पहले जाओ, मुझे रिकवर होने की जरूरत है। जियानी ने कुछ और ही सोच लिया, वो तुरंत ही जैंगशी पर से ब्लैंकेट हटाता है और वहाँ टच करने जाता है। जैंगशी परेशान हो गया कि हे ये तुम क्या करे हो। जियानी कहता है क्या तुम्हें फिजिकल रिस्पॉन्स आ रहा है, मुझे फील करने दो। जैंगशी ने उसके फेस पर ही किक लगा दी कि हटो यहाँ से, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो फिर लात खाने के बाद जानी कहता है कि हाँ मैं समझ गया। दूसरी ओर हितिया और मोगवानशान एलिवेटर में थे, मतलब कि मोगवानशान को खाना खाना था, तो शायद वो लोग खाना खाने नीचे जा रहे होंगे या फिर खाना खा के वापस आ रहे होंगे। और देखो हितिया अपने मोबाइल में देख रहा है, तभी एक अंकल बहुत सारा सामान लेके आ गए कि सर्विस एलिवेटर खराब हो गया है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मो कहता है जो करना है वो करो। तो फिर वो अंकल बहुत सारा सामान लेके अंदर आ गए। पहले मो हितिया से बहुत ही दूर खड़ा था, लेकिन इतना सारा सामान अंदर आने की वजह से वो दोनों करीब करीब आने लगे। अब हितिया ने अपने फोन में देखना बंद किया। वो दोनों इतना करीब थे तो मो की हालत खराब होने लगी थी और उसने देखा कि 5 सेंटीमीटर की ही दूरी है। वो कहता है कि हे अंकल और ज्यादा सामान मत भरो, लेकिन वो तो हितिया के लिए एंजल अंकल थे, इसलिए उसने सामान को धक्का दिया और जो 5 सेंटीमीटर की दूरी थी वो 0 सेंटीमीटर हो गई। मो जोर से चिल्लाने लगा तो हितिया बहुत ही आराम से कहता है कि तुम इतना ज्यादा चिल्ला क्यों रहे हो। मो बार बार हितिया को जो गाली देता है ये वही है।